दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक यह नहीं जान पाया कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार है, इससे ज़्यादा यह कुछ भी नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता था। एक बार उस सेठ को किसी बात से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वहाँ से एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत ही प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। पहले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुँचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार पुराना नौकर था। इसीलिए वह डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे ले रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी है और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है,
मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा और नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वे इतनी कीमती चीज़ और महंगी चीज़ मेरे लिए लाए थे और वे मुझसे ही टूट गई, और फिर क्या। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया है, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वे मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम किसी भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं, वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, हम जितना ही किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में अपने मन में विचार करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें दुख के साथ सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और उसके बारे में विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने जीवन को खुशी से जीना चाहिए और हमें अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि दुख क्या है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।